मैं आस्का पटेल और मैं कामदा कुमार मिश्रा, आप सभी का स्वागत है लाइव झारखंड ब्रेकिंग में। सिसई के बूथ नंबर 36 में दोबारा मतदान शुरू, दोपहर 1 बजे तक 58.88% मतदान। पीएम मोदी की बरही में चुनावी सभा, कांग्रेस की छल कपट को देखते भाजपा को भारी मतों से जीत बनाए। भारत माता की, सबको जोहार और नमस्कार। माँ छिन्नमस्तिका और माँ भद्रकालिका, मैं शीश झुकाकर वंदन करता हूं। खेलगांव परिसर के सीआरपीएफ कैंप में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के 2 जवानों की गोलीबारी में मौत। साउथ अफ्रीका की जोजी बिनी टुंजी 2019 की मिस यूनिवर्स बनी। और अब खबरें विस्तार से। सिसई विधानसभा क्षेत्र के पोलिंग बूथ संख्या 36 में सोमवार को दोबारा मतदान शुरू हुआ। 7 दिसंबर को हुए मतदान में एक व्यक्ति की मौत के बाद पूर्ण मतदान की सिफारिश की गई थी। सुबह 7 बजे से शुरू हुए वोटिंग में लोगों ने एक बार फिर से अपनी दिलचस्पी दिखलाई। दोपहर 1 बजे तक 58.88% मतदान होने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरही मैगी चुनावी सभा में कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से लोगों का मुंह भंग हो गया। कर्नाटक की जनता ने विधानसभा उपचुनाव में 15 में से 12 सीटें जिलाकर भाजपा पर फिर से अपना विश्वास जताया। विपक्ष के मंसूबे ध्वस्त हो गए। उपचुनाव के नतीजे से यह तय होने वाला था कि कर्नाटका में भाजपा की सरकार बचेगी या जाएगी। कांग्रेस भी पुरानी आदतों के अनुसार पर्दे के पीछे खेल खेल चुनाव ड्यूटी में लगे छत्तीसगढ़ आर्म पुलिस के 2 जवान ने एक दूसरे को गोली मारी, इसमें दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सुबह सीआरपीएफ घोटवार कैंप में यह घटना घटी। ये दोनों जवान रांची में चुनाव ड्यूटी के लिए आए थे। खेलगांव ओपी थाना क्षेत्र में मामले की आपसी विवाद बताया गया। रांची पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। मारे गए जवान का नाम मेला रामपुर है और दूसरे पुलिसकर्मी का नाम विक्रम राजवाड़ा। साउथ अफ्रीकाज जोजी बिनी टुंजी हैज बीन क्राउन्ड मिस यूनिवर्स फॉर द ईयर 2019, बीटिंग मोर देन 90 कंटेस्टेंट इंक्लूडिंग मिस इंडिया। 26 ईयर ओल्ड टुंजी वाज डिक्लेयर्ड द विनर एट द टेलीकास्ट इवेंट। और अंत में एक बार फिर मुख्य समाचार। सिसई के बूथ नंबर 36 में दोबारा मतदान शुरू, दोपहर 1 बजे तक 58.88% मतदान। पीएम मोदी की बरही में चुनावी सभा, कांग्रेस की छल कपट को देखते भाजपा को भारी मतों से जीत बनाए। खेलगांव परिसर के सीआरपीएफ कैंप में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के 2 जवानों की गोलीबारी में मौत। साउथ अफ्रीका की जोजी बिनी टुंजी 2019 की मिस यूनिवर्स बनी। खबरों में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम जल्द हाजिर होंगे खबरों के अपडेट के साथ। टू कीप इट्स सिटीजन्स सेफ इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमरजेंसीज, 112 इंडिया ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट पुलिस इन कोलैबोरेशन with Ministry of Electronics and Information Technology and CEDAC.